ओके डियर स्टूडेंट, नाउ टुडे सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज x plus y plus z upon x की पावर माइनस वन इंटू y की पावर माइनस वन प्लस y की पावर माइनस वन z की पावर माइनस वन प्लस z की पावर माइनस वन x की पावर माइनस वन। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस y प्लस z होल डिवाइडेड बाई x की पावर माइनस वन y की पावर माइनस वन y की पावर माइनस वन z की पावर माइनस वन प्लस z की पावर माइनस वन x की पावर माइनस वन इक्वल टू x प्लस y प्लस z होल डिवाइडेड बाई। सेम रूल अप्लाई करेंगे, जब किसी पर पावर निगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए इनका हो जाएगा वन अपान एक्स वाई प्लस वन अपान वाई जेड प्लस वन अपान जेड एक्स। कभी भी आप निगेटिव पावर देखिए उसका तुरंत से आप जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई, अब यहां पर एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा एक्स वाई जेड होगा। तो एक्स वाई जेड हमारा एलसीएम हो गया। एक्स वाई से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड बचेगा आपका जेड प्लस वाई जेड टू कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा एक्स प्लस जेड एक्स कैंसिल होगा, बचेगा वाई आपका। ओके तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड भी राइट कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एंड आपको पता होगा ये देखिए वन अपान ए होल डिवाइडेड बाई वन अपान बी होने पर होता है वन अपान ए इंटू बी अपान वन हो जाता है। ये आपका डिवाइड है, डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई एंड सेकंड टर्म का भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल होकर एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव ये भी आपका आंसर आ गया। ओके बेटा।